हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्ट फॉरएवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पहले हमारे चैनल का नाम बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार था, जो चेंज होकर अब इन्वेस्ट फॉरएवर हो गया है। वीडियो उसी तरीके से आती रहेंगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज के दिन एक अच्छा लॉन्ग टर्म के व्यू से आपको एक शेयर बताने जा रहा हूँ। इसमें मैं शॉर्ट टर्म का कोई आपको नई नजरिया नहीं दूंगा, लॉन्ग टर्म आपको रखना पड़ेगा और कितना रखना पड़ सकता है उसके लिए भी बातें कर सकते हैं। और अगर हम बात करें उससे रिलेटेड बातें करेंगे, जानेंगे फंडामेंटल्स, उसकी बिजनेस एनालिसिस एज वेल एज टेक्निकल से रिलेटेड बातें करेंगे। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप हमारे चैनल इन्वेस्ट फॉर एवर को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और यहाँ पर देखिए, काफी लोगों को यहाँ पर पॉलीमेडिक्योर में प्रॉब्लम आ रही है। मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, पॉलीमेडिक्योर में आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बाय ऑन डिप्स करने की जरूरत है। इस शेयर को खरीदिए, बाय ऑन डिप्स करके अच्छा खासा मौका है और आपके अच्छा खासे गेन आएंगे। पहली बात, अब बात करते हैं। देखिए, मैंने कुछ दिन पहले यहाँ पर, अगर मैं आपको बताना चाहूँ, यहाँ पर अगर हम देखते हैं, यहाँ पर देखिए डेन नेटवर्क, और यहाँ पर देखिए 23 रुपए का शेयर डेन नेटवर्क हैथवे से रिलेटेड। यहाँ पर एक मंथ पहले वीडियो बनाई थी, लगभग लगभग आपको 30% तक के रिटर्न मिल चुके हैं एक महीने में। इस चीज को आप ध्यान दीजिए। ओके, यहाँ पर देखिए 2 वीक पहले फिर दोबारा वीडियो बनाई थी, फिर देख लीजिए 2 वीक पहले, मतलब 2 वीक में आपको 25-30% के रिटर्न मिल चुके हैं। और मैंने यहाँ पर एक वीडियो बनाई थी, अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर कैल्टन से रिलेटेड वीडियो बनाई थी 77 पे। तो हमें क्या कहते हैं, अगर बात करें इधर भी हमें 11-12% के रिटर्न मिल गए हैं। बाकी यहाँ पर बात करें, यहाँ पर इस शेयर की तरफ भी ध्यान दे देते हैं, एक मिनट, यहाँ पर देखते हैं एलजी बालाकृष्णन एक शेयर है, देखिए ये रहा, यहाँ पर हमने पकड़ा थी 3 वीक्स पहले ही बताया था, उधर हमें 17-18% के रिटर्न मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग हम करते रहते हैं, तो इसी तरीके किस तरीके से शॉर्ट टर्म का ट्रेडिंग करते रहते हैं उससे रिलेटेड हमारे चैनल पे लगातार वीडियो आ रही है। तो उन वीडियो को भी देखते रहिए और अच्छा खासा गेन मिलता रहेगा। आज के दिन में भी आपको शॉर्ट टर्म के लिए एक वीडियो बनाऊंगा जो आपको शायद 2-3 दिन में 10% तक रिटर्न दे देगी। तो ये वीडियो की तरफ चलते हैं। और एक बात और कहना चाहूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर ट्रेडिंग डीमैट अकाउंट नहीं है ओपन करा लीजिए, फ्री में आपका ओपन हो जाएगा, वहां पर लिंक पे क्लिक करेंगे तो। और यहाँ पर आपकी सहूलियत के लिए यहाँ पर प्लेलिस्ट बना रखी है, अगर आप बिगनर है, आपको शेयर बाजार से रिलेटेड सीखना चाहते हैं, इन वीडियो को देखिए आपको समझ में आ जाएगा। रिजल्ट्स पढ़ना चाहते हैं, यहाँ पर रिजल्ट से रिलेटेड वीडियो है, बाकी ब्रेकआउट से रिलेटेड हमने यहाँ पर वीडियोज बना रखी है और वीडियो मैं इसमें डाल दूंगा। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो हम जिस शेयर से रिलेटेड बातें कर रहे हैं उसका नाम है अतुल ऑटो। अतुल ऑटो लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पर अच्छा खासा शेयर चल रहा था, बट कल की जब गिरावट आई तो यहाँ पर एक अच्छा खासा गिरावट यहाँ पर होती हुई नजर आई। 1 मंथ की बात करें, शेयर अच्छा खासा भागता हुआ दिखाई दिया है। 6 मंथ की यहाँ पर बात करें, एक कंसोलिडेशन पीरियड है। 1 ईयर की बात करें, यहाँ पर भी एक कह सकते हैं कंसोलिड थोड़ा बहुत भागा है, बट स्टिल यहाँ पर कंसोलिडेशन पीरियड देख सकते हैं। 5 ईयर की बात करें तो यहाँ पर देखिए कभी 500 रुपए पे शेयर चलता था, नीचे गिरा हुआ है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर देखिए शेयर ऊपर गया, फिर उसके बाद नीचे जाता हुआ दिखाई दिया। यहाँ पर तो हम समझ सकते हैं यहाँ पर सारे ऑटो सेक्टर में था, बट यहाँ से अगर बात करें एक अच्छी खासी गिरावट हुई है। काफी लोग कहते हैं कि ऊपर शेयर चला गया है फिर उसके बाद नीचे आ गया है, ऐसे शेयरों में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो देखिए, अगर जब नीचे गिरे हुए शेयर ऊपर जा सकते हैं, ओके, ऊपर जब तो ऊपर गिरे हुए ऊपर से नीचे गिरे हुए शेयर ऊपर नहीं जा सकते, तो नीचे से ऊपर भी जा सकते हैं और ऊपर से अच्छे अच्छे शेयर ऊपर से नीचे भी आते रहते हैं। तो इस चीज को समझना होगा, बट हमें कुछ इसके बिहाफ पे फंडामेंटल स्टडी करनी होगी। और जब हम फंडामेंटल स्टडी करेंगे तो हमें पता चलेगा कि एग्जैक्टली इस शेयर में कितना दम है, जो कि हम आगे करने वाले हैं। सॉरी, अगर हम बात करें यहाँ पर इस शेयर से रिलेटेड, तो पी की बात करें तो देखिए यहाँ पर 97 के पी पे बात यहाँ पर शेयर मिल रहा है। यहाँ 147 पे यहाँ पर 52 वीक लो था, 52 वीक हाई की बात करें 1 मार्च को 218 रुपये पे शेयर गया था। और यहाँ पर बात करते आज के दिन में 71% लगभग 52,000 डिलीवरी बेसिस पे शेयर उठाए गए हैं। और यहाँ पर कंपनी लगा कंटिन्यूअसली यहाँ पर डिविडेंड देती आ रही है, बस 2020 में यहाँ पर डिविडेंड नहीं दिया है। और यहाँ पर बात करें 52% में से कोई भी शेयर इनके गिर भी नहीं है। और यहाँ पर कुछ और चीप यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर आप देख लीजिए 1:2 का यहाँ पर बोनस दिया था 2012 में, ओके। इसके बाद स्प्लिट की बात करें, यहाँ पर स्प्लिट भी 2014 में हुआ है, राइट इशू भी कंपनी 2011 में ला चुकी है। तो ये चीजें आती रहती है, ये कंपनी लाती रहती है। अब बात करते हैं अतुल ऑटो, तो अतुल ऑटो करती क्या है, तो अतुल ऑटो के अगर
प्रोडक्ट्स की बात करें तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। आपने ऑटो में सफर किया ही होगा डेफिनेटली, तो ऑटो ऑटो से रिलेटेड ई रिक्शा जो इनके होते हैं उससे रिलेटेड यहाँ पर आपको मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर जो छोटे छोटे आपके जो स्टाफ होते हैं या दुकान के सामान होते हैं उसे या पेप्सी वगैरह ले जाने के लिए शॉप एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जाते हैं, तो उनके लिए भी मतलब ट्रैवलिंग जो या कमर्शियल जो यूज के लिए यहाँ पर प्रोडक्ट यूज किया जाता है, तो यहाँ पर ये अतुल ऑटो उसमें अच्छा खासा डील करता हुआ नजर आता है। और यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर प्रोडक्ट से रिलेटेड हमने बातें कर ली, यहाँ पर अगर और भी कुछ चीज देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर मतलब 30 साल इस कंपनी को लगभग हो चुके हैं। और भी इसके बारे में देखिए, कार्गो से रिलेटेड यहाँ पर प्रोडक्ट्स इन्होंने बता रखा है, पैसेंजर से रिलेटेड यहाँ पर प्रोडक्ट इन्होंने बना रखा है, ई रिक्शा भी यहाँ पर आते हुए दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अमंग टॉप 5 थ्री व्हीलर कंपनीज इन इंडिया, ओके, मतलब 3 टॉप 5 में से ये एक है अगर बात करें अतुल ऑटो। 15 कंट्रीज अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट, मतलब 3 कॉन्टिनेंट में यहाँ पर 15 कंट्री में यहाँ पर इनके प्रोडक्ट्स जाते हैं। मल्टी फ्यूल रेंज है यहाँ पर अगर बात करें अतुल ऑटो, आई थिंक जो अफ्रीका वगैरह में भी जाते हुए दिखाई देते हैं। एक बार इनके जो बारे में जो आप जानेंगे तो आपको पता चलेगा। तो अगर बात करते हैं यहाँ पर और कुछ पैरामीटर की, यहाँ पर देखिए अतुल ऑटो मैन्युफैक्चरर्स एंड सेल्स ऑटो रिक्शा इन डोमेस्टिक ओवरसीज मार्केट। तो अगर बात करें ये जो शेयर डोमेस्टिक में तो है ही, ओवरसीज मार्केट में भी यहाँ पर बेचते हुए नजर आते हैं। यहाँ पर अभी जैसे है कि पूरा लॉकडाउन था काफी प्लेसेस पे, तो यहाँ पर बिल्कुल ही बंद हो गया था ऑटो वगैरह की बिक्री, देखिए यहाँ पर बिल्कुल ही ना के बराबरी होगी। अगर बात करें यहाँ पर 4 ब्रांड्स, तो शक्ति कार्गो डीजल से रिलेटेड, इलाइट ई रिक्शा से रिलेटेड, जेमिनी पैसेंजर, यहाँ पर CNG LPG पेट्रोल कार्गो, मतलब इन सभी ये प्रोडक्ट्स यहाँ पर मिलते हुए नजर आते हैं, मतलब डीजल पेट्रोल ई रिक्शा टाइप में। और अगर बात करें मार्केट कैपिटल केवल 420 करोड़ की है, मतलब छोटी सी स्मॉल कैप कंपनी भी नहीं कहेंगे, माइक्रो कैप कंपनी है। आरओसी की बात करें 24 की आरओसी है, काफी बेहतरीन आरओसी माना जाता है। डेट की बात करें 5% का डेट है, ना के बराबर डेट है, कोई ब्लेजिंग नहीं है। इस चीज को देखिए, जब ये सारी चीजें यहाँ पर आती है ना, तो आप ये शेयर अच्छा फिर नजर आने लग जाता है। क्वार्टर सेल्स की बात करें तो यहाँ पर आप देखिए 150 137, यहाँ पर 137 करोड़ आई, फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए 176 186 166, फिर थोड़ी बहुत गिरावट, फिर ऊपर की तरफ जैसे बढ़ रहा था, फिर यहाँ पर पैंडामिक आ गया। पैंडामिक आने के बाद यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर बिक्री बिल्कुल कम हुई। बट यहाँ पर दिसंबर में देखे तो दिसंबर में पिछले 3-4 क्वार्टर से अगर बात करें, सबसे हाईएस्ट यहाँ पर रेवेन्यू होती हुई नजर आई है, जिसकी वजह से जो इस बार का जो रिजल्ट आने वाले है, कभी भी रिजल्ट आ सकते हैं, तो रिजल्ट आने वाले तो ये शेयर फिर दोबारा भागता हुआ नजर आएगा, तो इसकी तरफ ध्यान दीजिएगा। शेयर तो भागी गई, यहाँ पर इनके रिजल्ट भी अच्छे खासे आते हुए दिखाई देंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए यहाँ पर जून में नेगेटिव में आ गया था, जो कि अभी दोबारा पॉजिटिव में आ गया है। यहाँ पर और चीजें की बात करें तो धीरे धीरे यहाँ पर नेगेटिव से दोबारा पॉजिटिव में कंपनी आने लग गई है, और 1-2 साल में दोबारा पॉजिटिविटी की तरफ यहाँ पर भागती हुई दिखाई देगी। अगर बात करते हैं ईयरली बेसिस पे, तो यहाँ पर 2009 में मतलब पिछले 10 साल में बात करें तो 117 करोड़ 120 202 299 364 430 493 531, मतलब ऐसा कोई एक बार यहाँ पर डिप आया था, बट कंसिस्टेंसी थी इनके प्रॉफिट में कि बढ़ता ही जा रहा था, रिवेन्यू बढ़ता ही जा रहा था, कभी भी कम नहीं हुआ। यहाँ पर आपको पता ही है क्या रीजन है, पैंडमिक, बट वरना फिर यहाँ पर और बढ़ता हुआ नजर आया और फिर और बढ़ता हुआ नजर आएगा। एक बार पैंडमिक यहाँ पर इसी साल का है, फिर अगले साल और अच्छा खासा यहाँ पर कंपनी परफॉर्म करती हुई नजर आएगी। नेट प्रॉफिट की बात करें, हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट आ रहे थे, फिर यहाँ पर पैंडेमिक आना शुरू हुआ, तो इसलिए प्रॉफिट गिर गया, वरना यहाँ पर फिर अच्छा खासा गेन था। और जब यहाँ पर आप कहते हैं ना, जब लोग डर रहे हो खरीदने में, तब आपको खरीदना चाहिए, वॉरेन बफे साहब भी कहते हैं, तो यही यहाँ पर आप इस रूल को अप्लाई करके आप करेंगे बाइंग करेंगे शेयर को, तो आपको पता चलेगा कि आने वाले टाइम में अगर 1-2 साल की बात करें तो अच्छा खासा गेन आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। नेट प्रॉफिट की बात करें, देखिए अच्छा खासा 0 से लेके 352 करोड़ रुपीस का यहाँ पर प्रॉफिट यहाँ पर कर दिया था 53 times, बट यहाँ पर इस बार नेगेटिव में है जस्ट बिकॉज लॉकडाउन। और अगर बात करें यहाँ पर रिजर्व्स की, तो कंपनी यहाँ पर देखिए रिजर्व्स अच्छे खासे रिजर्व्स है, 286 करोड़ के 24 करोड़ के रिजर्व्स 286 करोड़ के हो गए। डेट की बात करें, कंपनी डेट फ्री चल रही थी, यहाँ पर ऑब्वियसली बात है यहाँ पर सब कुछ शटडाउन होने हो ही गया है, छोटी सी कंपनी के लिए चलाना मुश्किल हो जाता है, तो यहाँ पर फिर भी रिजर्व्स अच्छे खासे जब भी चाहे यहाँ पर बोरिंग पे कर सकती है, ना के बराबर ही बोरिंग कहेंगे, 5% बोरिंग है। फिक्स एसेट की बात करें तो यहाँ पर देखिए फिक्स एसेट दोबारा बढ़नी शुरू हो गई है, 92% यहाँ पर
कैपेक्स यहाँ पर देखे, जो वर्क इन प्रोग्रेस में जो पैसा लगा है फिर दोबारा बढ़ता हुआ नजर, जब यहाँ पर मतलब इनका काम शुरू हो गया है अच्छा खासा, और यहाँ पर जब ये अमाउंट यहाँ पर जब ऐड होती हुई दिखाई देगी ना, तो यहाँ पर जो ये ऊपर की तरफ अगर बात करें यहाँ पर जो सेल्स है दोबारा उसी लेवल पर और उससे ज्यादा होती हुई दिखाई देगी। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इन्वेस्टमेंट की बात करें 53 करोड़ रुपीज का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रखा है। कैश की बात करें 6 करोड़ का कैश है। 27 करोड़ का ट्रेड रिसीवेबल भी आता हुआ नजर आया है। यहाँ पर देखिए आरओसी तो काफी बेहतरीन हमेशा से ही रही है, यहाँ पर इस बार थोड़ी कम होती हुई नजर आई है, वरना 30% से ज्यादा की आरओसी ही रहती थी। प्रमोटर्स की होल्डिंग, प्रमोटर्स ने 1% के शेयर नहीं बेचे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि शेयर आज नहीं तो कल भागने ही वाला है। एफआईएस की बात करें, एफआईएस के पास अच्छी खासी देखिए जून के बाद तो उन्होंने भी होल्डिंग बढ़ा दी है क्योंकि उन्हें पता है देखिए अच्छी खासी कंपनी है, अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रही है, कंसिस्टेंसी है। यहां पेंडेमिक है इस वजह से रिक्शा ऑटो आपको बंद ही दिखाई दे रहे हैं, इस वजह से यहां पर ये कोई खरीद नहीं रहा, बट धीरे धीरे अब जैसे अनलॉकिंग हो रही है लोग खरीदेंगे, और लोग खरीदेंगे तो ऑब्वियसली बात है यहां पर चलेगा। डीआईएस की बात करें, डीआईएस के पास भी 5.9% की होल्डिंग है, और पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के पास लगभग लगभग यहाँ पर 39% की होल्डिंग नजर आती है। तो यहाँ पर अच्छी खासी होल्डिंग हर पैरामीटर पे हर किसी के पास नजर आती है, तो इस शेयर की तरफ आप ध्यान दे सकते हैं। बट बाइंग सेलिंग की यहाँ पर कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आपको बाइंग सेलिंग से रिलेटेड यहाँ पर कहा जा रहा है, जस्ट एक व्यू आपको दिया जा रहा है कि इस तरीके से आप काम कर सकते हो और अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम देखें तो एक यहाँ पर अगर देखते हैं तो एक यहाँ पर देख लीजिए तो एक कप विद हैंडल पैटर्न छोटा सा बनता हुआ पहले नजर भी आया था, जिसकी वजह से शेयर देखिए अगर हम देखें तो शेयर भागता हुआ भी थोड़ा सा नजर आया था। एक मिनट दे दीजिए। तो यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक इसने कप बनाया था, फिर इसके बाद एक छोटा सा हैंडल बनाया था, फिर यहाँ पर फिर ऊपर नीचे जाके फिर ऊपर ऊपर आया था, और ये फिर दोबारा भागने की कोशिश कर रहा है। इसके रिजल्ट भी इस महीने शायद आ जाएंगे, तो फिर दोबारा ये भागता हुआ नजर आएगा। तो देखिए पहला लेवल अगर बात करूं यहाँ पर ऐसा कोई चार्ट पैटर्न बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है, तो बट पहले लेवल की बात करूं तो देखिए पहला लेवल तो इसे तो ये बहुत जल्दी टच कर ही लेगा। बात करें 51 साल का टाइम दे दीजिए इसे, या फिर इस साल के लास्ट तक दिसंबर तक ये शायद इस लेवल को तो टच करेगा ही, जो कि 300 के आसपास है। बट अगर मैं आपको बात करूं यहाँ पर ये जो इसका मैक्सिमम मैक्सिमम चार्ट पैटर्न था, अगर बात करें तो मैक्सिमम कब था ये था 16 जनवरी 2015, मतलब 2015 में यहाँ पर शेयर की बात हो रही है। तो यहाँ पर अगर बात करें 2015 की, तो यहाँ पर अगर देखते हैं हम यहाँ पर देखिए 2015 में कितनी सेल्स थी, 493 करोड़ रुपए की सेल्स थी, और यहाँ पर अभी लगभग उसी सेल्स पे खड़ा ही हुआ है। ओके, और इससे ज्यादा ही सेल्स आती हुई दिखाई दे रही है, बट स्टिल यहाँ पर शेयर का प्राइस गिरता हुआ नजर आ रहा है। और नेट प्रॉफिट की बात करें 41 करोड़ का प्रॉफिट 52 करोड़ तक पहुंच गया था, बट अभी नेगेटिव में है। तो अभी थोड़ा सा टाइम दोगे ना इसे, एक साल, तो यहाँ पर ये इस लेवल को भी तोड़ेगा, और जब इस लेवल को तोड़ेगा तो आपको बताना चाहता हूँ देखिए इस तरीके से ये शेयर ना पहले भी यहाँ पर इसी लेवल पर था। यहाँ पर अगर देखें 78 रुपीज के आसपास ये शेयर चला करता था। एक साथ यहाँ पर देखिए 19 अगस्त की बात करें, 19 अगस्त 2013, मतलब 19-30 अगस्त के, मतलब अगस्त 2013 में ये शेयर था, और यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा, यहाँ तक जाने में इसे टाइम लगा है मुश्किल से, एक मिनट अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, इसे जाने में लगा जैन, मतलब डेढ़ साल भी नहीं लगा, 1.5 साल से कम टाइम में यहाँ पर ये पहुंच गया है। तो ऑपरेटर ना, प्रमोटर्स और ऑपरेटर, प्रमोटर तो मालिक होता ही है, ऑपरेटर उनके भी मालिक होते हैं, और ऑपरेटर ने यहाँ पर जब 1.5 साल में उस शेयर को ऊपर तक पहुंचा दिया, और जब यहाँ पर दोबारा से हाइएस्ट एवर रेवेन्यू वगैरह देखिए यहाँ पर चलना शुरू किया था, यहाँ पेंडेमिक आ गया, वरना ये शेयर ऊपर ही आपको मिलता, नीचे नहीं मिलता। तो यहाँ पर दोबारा से अब जब सेल्स शुरू हो जाएगी, अनलॉकिंग शुरू हो जाएगी, तो ये शेयर दोबारा भागता वो नजर आएगा। 1.5 साल यहाँ पर दिया था, चलो 1.5 साल नहीं, हम 2 साल मांगते हैं, और 2 साल में अगर ये शेयर यहाँ पर अगर थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं इसका ऑल टाइम हाई कितना था, इसका ऑल टाइम हाई ये है, और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर से यहाँ तक कितना रिटर्न बनता है, ये देखिए लगभग 262% का रिटर्न मिलता है। कहते हैं कि चलो यहाँ पर तो 1.5 साल लगाया था, यहाँ पर मान लेते 3 साल, 3 साल भी लगाता है तो 6 या 18, मतलब कितने परसेंट की CAGR से पैसा बढ़ रहा है आप खुद सोच लीजिए, मतलब 4 साल, मतलब अच्छा खासा पैसा आपका 60-70% का CAGR से आपका पैसा बढ़ता हुआ नजर आएगा। और मुझे लगता है कि 3 साल तो लगने नहीं वाले, 2 साल के अंदर अंदर इस लेवल तक आ जाएगा, तो लॉन्ग टर्म की बैट है। और यहाँ पर देखिए सबसे ज्यादा वॉल्यूम है, या तो पहले यहाँ पर वॉल्यूम थे जब यहाँ पर भगाया गया था,
इसके बाद यहाँ पर देखिए थोड़ी थोड़ी वॉल्यूम थी, अब दोबारा यहाँ पर जब भगाया जाएगा ना तो किसी भी दिन भगा दिया जाएगा और इस तरीके के वॉल्यूम देखिए आना शुरू हो गए हैं। बाकी बाइक सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर करिए और हमारे चैनल इन्वेस्ट फॉरएवर को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि आपको इस तरीके की वीडियो आफ्टर मार्केट क्लोज आपको मिलती रहती रहे। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।